अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सारा अदील। और जैसे कि आपको पता है आज सैटरडे है और सैटरडे नाइट हम लोग घूमते हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे तो हमारा प्लान है कुछ प्रॉपर्टी की तरफ देखने का। तो हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं कमांडर सिटी में, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। आज वहाँ कॉन्सर्ट भी है, हदीका की आमी भी आ रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं। तो चलें, मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लेट्स गो। सो गाइस, हम निकल गए हैं घर से और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। मतलब बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पता नहीं कैसे पहुँच पाएंगे। हमारा सफ़र भी एक घंटे का है, आराम से एक घंटे का, आराम से। और रास्ते से हमें अर्शा को उठाना है। अर्शा अपनी फ्रेंड के घर पे है तो वो निकल गई है आज रास्ते से या कहीं करीब से उनके घर के, हम उसको उठाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। देर लगेगी पहुँचने में या जल्दी पहुँच जाएँगे, तो आप तो साथ ही हैं, देखते हैं। बहुत रश है गाइस, एक घंटे का सफ़र हमारा बन जाएगा कोई डेढ़ घंटे का। मुश्किल होगी हमें पहुंचने में, क्योंकि हम वैसे ही लेट हैं एज यूजुअल, आपको तो पता है। रास्ते में चल रहे हैं, देखें क्या होता है। सो गाइस, हम निकल गए हैं और दिल नंबर पर कॉल आ रही है। हाँ हेलो, हेलो गाइज, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अर्शा अपने फ्रेंड के घर है, अब आने वाली है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। आधे रास्ते में उसको बुलाया है और जैसे ही वो आएगी तो हम निकल पड़ेंगे यहाँ से। हम किधर है दिखाती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ हैं इस वक्त, कहाँ हैं, कौन सी जगह है दिल, कौन सी जगह है ये। नियर टू हाईवे, नियर टू हाईवे है। देखो कब आएंगे, हेलो कहीं से भी आ जाओ। गाइस, हम लोग निकल गए हैं, पूरा एक घंटे का रास्ता है, रश बहुत है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। आपको पूरा एक घंटा हम लोगों के साथ गुजारना पड़ेगा, अदील आफ्ताब के साथ, मेरे साथ, अर्शिया मैडम और ये बाकी के सारे दिखाओ। हाँ, ये भी है। तो हम लोगों के साथ गुजारना पड़ेगा, पता भी नहीं चलता हमारे घर में, मतलब सुबह कब होती है, रात कब होती है, कुछ पता नहीं चलता। चिल का माहौल होता है। गाइस, हाईवे पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बन गए, कबाब चीज और दूसरे बहुत अच्छे अच्छे। अब तो खैर निकल गया है, मैंने आपको दिखाया नहीं लेकिन वापसी मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी। इतना मज़े का लग रहा है, इतनी लाइटिंग, इतना मतलब अब पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगहें बन गई हैं जहां आप मतलब पूरा दिन जाके स्पेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट चलो पूरा दिन नहीं, 4-5 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। तो बहुत सारे फ़न बन गए हैं यहाँ पर भी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बस अल्लाह पाक इसी तरीके से पाकिस्तान को तरक्की देता रहे, हमारा पाकिस्तान का भी बोलबाला हो। आमीन। किसी ने आमीन नहीं बोला यहाँ पे, आमीन बोल दो। आमीन। एच ए सिटी आ गई है। अब हमारा अभी तकरीबन कितनी दूर का रास्ता है, करीब है, हम 10 मिनट्स मोर ड्राइव है हमारी, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। रात हो गई है, गहरी रात है, लोगों देखो हम कब पहुँचेंगे। कुछ लोग तो गाड़ी में सो ही गए हैं हमारे पास, कुछ जाग रहे हैं। फाइनली हम कितने घंटे के बाद, 1.5 सीधा सीधा के बाद अब हम पहुंच गए हैं कमांडर सिटी। थोड़ा सा थक भी गए हैं लेकिन इतना नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मस्जिद लग रही है। ये तो भाई नहीं, मस्जिद नहीं है, ये कमांडर सिटी है बेटा। 352 कहा था ना उसने। अंदर चल के दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टफ है। और चले अंदर चलते हैं, अंदर चल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी, NIC नंबर, फोन नंबर, एड्रेस सब मेंशन करना पड़ेगा, फिर अंदर जा सकेंगे। Thank you.
थकेंगे तो नहीं आप लोग? वाह जबरदस्त। तो आइए एक और हमारे साथ दोस्त मौजूद है। ये दोस्त आपने जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने देखा कि आगाज में ही जब नाज शरीफ पेश की गई तो फाइनली हदीका कैनी इज़ ऑन स्टेज। इनको आते आते भी 10 बज गए हैं और बस इनके साथ प्रोटोकॉल बहुत अच्छा था। इनके साथ सराउंडिंग में सारे सिक्योरिटी थी और आते के साथ इन्होंने सिंग करना शुरू कर दिया। कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट और अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं, बच्चों की राइड्स पे। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इनकी मजे की बात ये है कि इन्होंने आज सब बच्चों के राइड्स, कैस्टल, जंपिंग वगैरह सब फ्री रखी है कि कोई भी आके सब आराम से अपने बच्चों को एंजॉय करा सकता है। इतना गंदा कार्टून बनाया है ये, तौबा तौबा। इतनी क्यूटी डॉगी, इतनी क्यूटी, बहुत क्यूट लग रहे थे। मतलब पकड़ के ना मैं इनको घर ले आऊँ, खा तो सकती नहीं, जाहिर सी बात। यहाँ इन्होंने डिनर प्लेस बनाया हुआ था, कोई भी अपना खाना लेके आके मज़े से यहाँ पर बैठ के खा सकता है। तो ये एक अलग एरिया था, मतलब
यहाँ लाइव फूड के केबिन्स का भी इन्होंने अरेंजमेंट किया है, जिसको जो चाहिए उसी वक्त लेके आराम से बैठ के खा सकता है। ये अंकल नान बना रहे हैं बहुत मज़े की, ये देखें। भारत देखें, अंकल के अंकल ने प्लेट पे सारा जोर निकाल दिया और ये इन्होंने अंदर डाल दिया। और अब हम खाना खा रहे हैं जो कि थोड़ा मज़े का है, थोड़ा ज़्यादा मज़े का नहीं है। मैंने कबाब मंगाए हैं लेकिन मुझे लग रही तुमने बिरयानी नहीं खाई। मैंने बिरयानी मंगाई है लेकिन फिर कौन सी वाली भूख लग रही, सब मेरा खाना। गाइस यहाँ पे बहुत मज़ा आया, यहाँ पे इन लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हदीका कियानी भी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने किए, उनका कॉन्सर्ट था और इन लोगों ने फ्री राइड्स का रखा था, फ्री राइड्स थे यहाँ पे बच्चों के लिए और खानों के काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे और उसमें मज़े मज़े के खाने थे, साथ ही लाइव कुक हो रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। और अर्चना मुझे पीछे से हंसा दिए लेकिन मैं हंसूँगी नहीं। और अब यहाँ पे सब ख़त्म हो गया है, एज यूजल हम आखिरी लोग हैं और अब हम घर जा रहे हैं, लेकिन अच्छा था, इंजॉय किया, मज़ा आया। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मुझे सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चाय अभी बाकी है और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम रुके हैं चाय और आलू के पराठे के लिए और पीछे ऑलमोस्ट सब सो चुके हैं, नींद बहुत आ रही है, रात के 3 बज रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चाय पी के बस हम घर को निकलेंगे, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है। वक्त अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को भी अपनी वजह से खुश रखने की कोशिश करिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दें अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।